हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे अमरूद की चटनी की रेसिपी। और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, खासकर परांठों के साथ ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए सबसे पहले हम अमरूद तोड़ लेते हैं। और इसके लिए मुझे ना अपने गार्डन से जैसे हरा धनिया, हरा लहसुन, हरा प्याज और मिर्ची, तो ये सब चीज़ें, पुदीना भी तोड़ना है। निकाल के ले आया मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं इसकी चटनी। तो जी, सारा सामान अब मैं ले आई हूँ और अब मुझे इन सबको अच्छे से धोना है, क्योंकि धनिया वगैरह में थोड़ी बहुत मिट्टी रहती है। तो इन सबको मैं अच्छे से धोऊंगी और अमरूद को हम करेंगे रोस्ट। रोस्ट करके ना बहुत टेस्टी इसका जो है ना टेस्ट आता है। Thank you.
ये क्या किया? तोड़ दिया मेरा। अपने आप कैसे टूट गया वे? छुपने के पत्र पत्राई ने छुपा छुपाई खेल रहे ना इसी बार में की दूर लिया ना अब मैं पीछे छु फिर उसे ना वो नहीं ढूंढ पाई जी। अच्छा अच्छा छुप जा मैं आ रही हूँ। तो जी अब ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और कपड़े भी मेरे धुल गए और आज मैंने बनाई थी अमरूद की चटनी और बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। एक बार आप भी ट्राई करिएगा ना, परांठों के साथ ना अमरूद की चटनी बहुत टेस्टी लगती है और मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाई थी लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। बेटे को भी पसंद आई और फिर मैंने अपने डैडी को दी, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और कह रहे हैं कि अब दोबारा हम बनाएंगे। तो बस आज की वीडियो मेरी यही है और हॉबी जब छोटे थे तब भी मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, तो ये देखिए आप कितने बड़े बड़े हो रहे हैं और मुझे ना ये बड़े अच्छे लगते हैं। मैं डेली सुबह देखने आती हूँ कि हालांकि ये छत में है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई नहीं ले जा सकता, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे लगते हैं। मैं सुबह सुबह ना आ जाती हूँ और अपने सारे के सारे प्लांट जो है वो चेक करती हूँ कि अच्छे से ग्रो हो रहे हैं कि नहीं। तो बस जी आज की वीडियो मेरी यही है और अगर आपको मेरे अमरूद की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। और बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।